हमें फ्री में ही कोकोनट मिला है। इनके जो बॉस है ना, उनके घर के पेड़ों में ये सारा कोकोनट हुआ था, तो हमें टाइम नहीं मिला था वीकडेज में, तो आज टाइम है इनके पास, जब आएंगे तो उसके बाद यही काम करना है, देखना कि क्या किस हाल में है। 3-4 दिन हो चुका है, तो उस टाइम तो इसमें पानी का साउंड आ रहा था, देखो बेटा, हाँ अभी भी थोड़ा है, लेकिन देखना है किस कंडीशन में है ये, तो इसे तोड़वाना है, मतलब कटवाना है, काफ़ी ज़्यादा ये हैवी है और हार्ड भी है। तो यहाँ पे ना अगर आपको कुछ मिलता है फ्रूट्स के नाम पे, तो कोकोनट बहुत आराम से मिल जाता है, किसी घर पे कोकोनट है तो वो दे देंगे, शादी है तो कोकोनट मिल जाएगा आपको, तो कोकोनट यहाँ पे बहुत रहता है। तो अब मुझे भी कोकोनट करी लीव्स जो है ना, इनकी हैबिट हो गई है, अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी चैनल, कैसे हैं आप? जो उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह का वक्त है, ये गए हैं नमाज के लिए, अभी 7:45 बज रहे हैं, लेकिन ये जब गए थे तो 7:45 बजे गए थे, लगभग 1 घंटा हो गया है। मैं फारिया घर पे बचे हैं, हमें नहाना है अभी, और यहाँ बारिश की वजह से पूरा कपड़ा जो है वो ऐसे ही बस हो रहा है, बस डाल रहे हैं बाहर हम लोग, फिर अंदर लेकर आते हैं, फिर बाहर डालते हैं, तो इनको फिर से मुझे बाहर डालना होगा, कपड़ा सूख नहीं रहा है, सब भीगा हुआ है, रात में इतनी बारिश हो जाती है सारा कुछ भीगा रहता है। मौसम बहुत ही अभी बारिश का मौसम हो रहा है, रात भर बारिश हो रही है यहाँ पे, तो इसी बारिश के मौसम में ही हम फेस्टिवल मनाएंगे। और फारिया को मैं तब से बोल रही हूँ कि वो जाके नहा ले, तो ब्लैंकेट यहाँ मेरा, मैं सोफे में ही सोना ज़्यादा पसंद करती हूँ, यहाँ पे फारिया सोती है, फवाज तो अंदर में सोते हैं, हस्बैंड भी अंदर सोते हैं, तो ये हमारा बेड है मेरा फारिया का, तो ठंड है रात में, ब्लैंकेट ओढ़ना ही पड़ जाता है यहाँ पे। तो रही बात कुर्बानी की, तो कुर्बानी हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं मतलब, क्योंकि एक तो एक महीना जैसा मेरी तबीयत जो है ख़राब रही, वीकनेस बहुत था मुझे, तो इस कारण से ये हुआ कि हम बाहर ही कहीं करवा लें, और साथ में फिर एक दिन की छुट्टी है, आज संडे है, संडे को हमारी छुट्टी मिली है, तो एक दिन में नहीं हो पाता है, अगर एक्स्ट्रा कोई छुट्टी होती, और मैं वैसे भी हमेशा कुर्बानी के में ना बकरीद में छुट्टी लेती थी एक्स्ट्रा, और कुछ थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लेकिन मेरा सारा जो है लीव वो सब चला गया है। और उसके अलावा यही था कि कौन बनाएगा इतना, कहाँ जाकर देंगे, कोई हमारे यहाँ पे है भी नहीं जहाँ हम जाकर बाढ़ कर आ सके, और एक संडे मिलेगा हम तो बहुत हेक्टिक हो जाता। तो फिर इन्होंने भी यही कहा, सास ने भी यही कहा कि तबीयत भी तुम्हारी काफ़ी लंबी जो है ख़राब रही, तो ऐसा करो कि कहीं और करवा लो, तो इसलिए घर पर जो है बस परचेस करके ही हम अपने लेकर आएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारा बर्तन इकट्ठा हो गया है, तो मलम्मा जो है वो लेट से आती है संडे को खास करके, तो जब वो आएगी तो इन बर्तनों को वॉश करेगी। मैं शाम में बनाया था हम लोगों ने डोसा, उसका तवा है यहाँ पे, तो डोसा हम लोग बहुत पसंद से खाते हैं, चटनी बनाया था मैंने यहाँ पे डोसे का। तो अभी जो भी मुझे बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे जैसे चाय का बर्तन है, कप का है बर्तन, वो सब मैं यूज़ कर लूँगी, बाकी जब वो आती है तो काम करती है। तो नाश्ता बनाने से पहले मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, बिना किचन साफ़ किए मुझे बिल्कुल भी पकाना पसंद नहीं आता है, ये तो रात में क्लीन कर देती हूँ, लेकिन अभी भी एक बार दोबारा मैं इसे थोड़ा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं नाश्ता बनाना शुरू करूँगी। बकरीद मुबारक। सामान क्या क्या लाए आप? ये मटन, नींबू, चावल आया, चावल क्या बेटा और हस्बैंड नमाज पढ़कर आ चुके हैं, फारिया नहा रही है, और अभी मैं फटाफट लग गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि इन्हें दोस्ती रोटी खाना है, मुझे था कि मैं पराठा और गुड़दा करेजी बना दूँगी, लेकिन दोस्ती रोटी जब कहा तो ये थोड़ा टाइम टेकन होता है, टाइम लग जाता है अच्छे से। एनीवेज अब मुझे बनाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं गुड़दा कलेजी तैयार करके रख लूँगी, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही अच्छा सा बना था, चटपटा सा ये गुड़दा कलेजी बनता है। तो प्याज को मैंने यहाँ पे सॉटे कर रही हूँ, अच्छा लाल करने के बाद ग्रीन चिली मैंने ज़्यादा ऐड किया था इसमें, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और जब वो थोड़ा भुन गया तो मैंने डाल दिया था गुड़दा कलेजी, साथ में मैंने फ्रेशली ग्राउंड गर्म मसाला ऐड किया था, और उसके बाद इसे कोथमीर से गार्निश कर लिया था। तो एक साइड तो ये तैयार हो गया है, और दूसरे साइड में बनाने जा रही हूँ दोस्ती रोटी, इसके लिए मैंने आटा गूंद लिया है। यह फारी आ चुकी है नहा के, अभी उसने चेंज भी नहीं किया है, लेकिन उसने कहा कि मम्मी मैं आपको हेल्प करूँगी। तो ये देखिए, दोस्ती रोटी बनाने के लिए दो लोई के बीच में तेल लगाना होता है, और उसके बाद फिर इसे इस तरह से बना कर रख देने से बड़ा आसान हो जाता है, फटाफट इसकी रोटी बना सकते हैं। तो एक साइड फारिया इसे बना रही थी, और दूसरे साइड में इसे बेल रही थी।
तो अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ, काफ़ी लेट हो गया था मुझे क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ गए थे, सबको फ़ोन कॉल्स को अटेंड करना पड़ रहा था, तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। और यहाँ पे ना मैंने जो साड़ी पहना है उसे किसी ने भी पसंद नहीं किया था, सब ने इसे रिजेक्ट कर दिया, सब ने कहा कि बहुत ही पुराने ज़माने का एक साड़ी उठाकर तुमने पहन लिया है। लेकिन यहाँ पे जो है मेरी सोच अलग थी, मुझे ये था कि ये काफ़ी पुराना साड़ी तो है वाकई में, लेकिन आगे जाकर जो है पता नहीं मैं इसे कब तक पहन पाऊँ, क्योंकि अब मेरा बेटा भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और एक होता है एक फीलिंग आ जाती है ना अगर आपकी माँ इस तरह के ड्रेसेस बाद में भी पहने, तो मुझे ये था कि जब तक अभी वक्त है मैं इसे पहन लूँ। और वैसे भी ये मेरे निकाह का साड़ी है तो मुझे एक अफेक्शन तो रहता ही है उससे, मैं अपनी साड़ियों को संभाल कर रखती हूँ, स्पेशली अपनी शादी की जितनी भी साड़ीज़ है मैं किसी को भी नहीं देती हूँ, चाहे मैं पहनूँ या ना पहनूँ, मैं उन्हें अच्छे से अपने पास रखती हूँ। और अगर मेरी बेटी इसे पहनेगी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, यहाँ तक कि अगर मेरी बहू भी इसे पहनेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसलिए यही रीज़न था कि मैंने इस पुरानी साड़ी को उठाया और इसे पहन लिया, तो यही था कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी इसे पसंद नहीं कर रहे थे। चलिए यहाँ पे मैंने अभी बना दिया है मटन बिरयानी, और हमेशा मेरे साथ एक प्रॉब्लम आती है इसे बनाने में कि मटन बिरयानी मैं कभी भी अच्छा नहीं बना पाती हूँ, तो पता नहीं क्या रीज़न है। एनीवेज इसे मैंने दम में अभी लगाना है मुझे, और इसके बाद ना हम यहाँ से अभी जाएंगे इनके फ्रेंड के घर पे, तो मैं थोड़ा सा खाना वहाँ पे भी ले के गई थी, इन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने फ्रेंड के साथ ही खाना खाऊंगा, और बहुत ही इनकी अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, काफ़ी सालों के बाद हम यहाँ पे आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए, तो मेरी भी इनके भाई से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है मिलके। तो बस शाम का वक्त है, हम यहाँ पर आए हैं और बच्चों के लिए लेकर आए थे बर्गर। अब हो चला है यहाँ पे डिनर का टाइम, तो अब हम डिनर करने जा रहे हैं क्योंकि इनका घर काफ़ी दूर पड़ता है हमारे घर से, तो यहाँ आते आते ही काफ़ी लेट से हम पहुँचे, उसके बाद कुछ घंटे बैठे और इमिडिएटली रात हो गई, और हमें वापस घर भी जाना है, फिर से एक घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल करना है हमें, तो इसलिए ये था कि जल्दी से खाना खाएं और घर पहुँचे। कल मंडे भी है और साथ में देखा कि फारिया को भी थोड़ा सा फीवरिश फील हो रहा था, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ख़राब है, बारिश हो रही थी तो उसका भी असर पड़ रहा था हम लोगों को, तो ये था कि अब बस खाना खाएं और जल्दी फिर अपने घर पहुँचे। खाने में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। अभी हम लोग घर आ चुके हैं, रात के 10:45 बज गए हैं और वहाँ पे मैं कोई खास रिकॉर्डिंग ले भी नहीं सकी, एंड अब यहाँ पे आने के बाद इमिडिएटली सभी ने चेंज कर लिया है, सब सोने के लिए जा रहे हैं और हस्बैंड को थोड़ा चाय चाहिए तो मैं और वो थोड़ा सा चाय पियेंगे हम लोग, क्योंकि ठंड थी काफ़ी, और सबने तो चेंज कर लिया है, मैं भी अब जा रही हूँ चेंज करने के लिए, इयरिंग्स वगैरह मैंने उतार लिया, तो थक गए हम लोग क्योंकि कल फिर सुबह उठना है और कल की फिर तैयारी हो जाएगी पूरे वीक डेज की। तो चलिए आज का वीडियो मैं बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।